गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, ये कुछ स्कूल की याद नहीं दिलाती? एक सुर के साथ हम लोग स्कूल में करते थे, गुड मॉर्निंग मिस। एनीवे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रतन राजपूत की रसोई में स्वागत है। और आज का जो मेन्यू है वो आपको अपने स्कूल टाइम का याद दिलाएगा, और वो है आलू का भुजिया। घर घर में पता है कि आलू का भुजिया कैसे बनता है और कितने कम टाइम में और सिंपल तरीके से बनता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू का भुजिया, जिसमें सरसों तेल, जीरा का फोरन और एक लाल मिर्च खत्म। इसके साथ जो आज हम खाने जा रहे हैं वो है पंता भात। पंता भात बिहार में भी खाते हैं, जो बासी चावल होता है उसमें रात को ही पानी डाल दिया जाता है और नेक्स्ट डे बस इसमें मैं क्या बात कर रही थी, हाँ पंता भात। तो बासी भात में हम पानी बदलते हैं, उसमें थोड़ा मसाला, खट्टा, नमक, मिर्च ऐड करते हैं। वो मैं प्रोसेस बताती हूँ। फ़िलहाल का मेन्यू है पंता भात, आलू का भुजिया। आप अगर घर में और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बैंगन भाजा भी कर सकते हैं, परवल की सूखी सब्जी हो सकती है, भुजिया टाइप। तो जितना ड्राई चीज़ है इसके साथ खाते हैं। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को भी करूँगी कॉल, क्योंकि वो उड़ीसा से है और आज मैं उड़िया पंता भात बनाना चाह रही हूँ। वो मुझे गाइड करेगी और मैं आपको हीरोइन बनकर बताऊँगी कि ये मेरा रेसिपी है। क्या दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसको आलू का भुजिया ना आता हो बनाना? आलू भुजिया तो बच्चन साहब को भी आता होगा, अक्षय कुमार को भी। काश मैं देख पाती कि वो लोग कैसे बनाते हैं आलू भुजिया। सलमान खान को सोचो आलू भुजिया बनाते हुए। मैं अपने सारे फेवरेट एक्टर्स को आलू का भुजिया बनाते देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है बचपन में सबसे ज़्यादा जो टिफ़िन में माँ देती थी वो होता था पराठा, आलू का भुजिया और एक आम का अचार, ऑलमोस्ट एवरी डे। और एक मिलता था चूड़ा भुना हुआ और मटर भूनकर, चूड़ा मटर पराठा भुजिया। आलू भुजिया जिंदाबाद। अब हम करेंगे अपनी दोस्त को फ़ोन और पता करेंगे कि पंता भात में क्या क्या डलता है। हेलो, राम राम जी। हमको लगा भी पूछोगी तुम, जो तुम्हारा फेवरेट को है। क्या हाल? हाँ, क्या क्या चाहिए पहले ये बताओ। टेस्ट याद है, इंग्रेडिएंट भूल चुकी हूँ। नींबू नहीं है बहन, हाँ है ना? हाँ करेक्ट है। तो मतलब पंता भात, टमाटर की चटनी और ये अपना आलू का भुजिया है ना। मस्त रेसिपी है। चलो ठीक है, फटाफट रखो नहीं तो भूल जाऊंगी सारा। आई मित्र, बाय। वन मोर थिंग, इसके साथ बनाएंगे टमाटर की चटनी। और कमाल की बात ये है कि जितनी भी चीज़ इसमें पड़ने वाली है वो सब मेरे पास है, और जो नहीं है वो ऑप्शनल था, तो मैं आपको बताती जाऊंगी। भुजिया रेडी हो गया है, अब हम रेडी करेंगे हमारा पंता भात। इसमें डालेंगे पहले पानी, चावल में डाला पानी, अब डालेंगे हम दही। इसमें डालेंगे नमक, नींबू, थोड़ा आम का अचार, और इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। मैंने कहा ना, पर्सनल टच देने के लिए हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। बस अब इसे ढक कर रख देंगे और हम तैयारी करेंगे तड़के की। तड़के में जो चाहिए वो है करी पत्ता, हरी मिर्च जो कि अब सूख कर लाल हो चुका है, कैरी, ये भी अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं,
थोड़ा अदरक, इन सब को ग्रेट कर लेंगे। इमली हो या कैरी हो, मुंह में पानी नहीं रुकता यार। मुझे आज बहुत चटपटा खाने का मन है, इसलिए मैं सारी खट्टी चीज़ें डाल रही हूँ। अदरवाइज आप अगर अचार डाल रहे हैं तो नींबू छोड़ दीजिए, अगर आप नींबू डाल रहे हैं, मतलब अपने अंदाजे से, जिसको जिसका जैसा टेस्ट पसंद। यह है कैरी, यह है अदरक, करी पत्ता, हरी मिर्च। तड़के के लिए इसमें डालेंगे सरसों तेल। इसमें घी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, ये सरसों तेल से ही बनता है। इसमें डालेंगे राई, गरम नहीं हुआ है। मेरी फ्रेंड है मित्रा, वो उड़ीसा से है, उससे मैं बहुत मेहनत करवाती हूँ, हर वक्त फ़ोन पे ये बता दे वो बता दे, उसने बताया है ये पंता भात। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च, कैरी, करी पत्ता, अदरक। बस छोटा कर चले यार। चावल में ये तड़का, ऐसे छन सी आवाज होनी चाहिए पर नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। अब इसको थोड़ी देर ढका हुआ छोड़ देंगे, खतरे की घंटी। हाँ, ये जला के रख लिया रेड। एक पकाया हुआ टमाटर जिसको छीलकर मैंने मैश किया है, और इसमें डाला है नमक। बस अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल कच्चा। कच्चा लहसुन, बस। ओहो, टमाटर की चटनी और ऑल टाइम फेवरेट आलू भुजिया। तो ये है आज का खाना, पंता भात विथ आलू का भुजिया एंड टमाटर की चटनी। अब तक आपने जितनी भी रेसिपी देखी है उसमें ये मेरा फेवरेट है। हाय राम, मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, मुझे नहीं पता था। एक्चुअली मैंने आपको जैसे जैसे बताया ना, बस आप इतना कर लेना, आप कैसे भी कुक हो लेकिन ये डिश आप अच्छा ही बनाओगे, ये मैं चैलेंज देती हूँ। थैंक यू मित्र यार, थैंक यू सो मच फोन पर गाइड करने के लिए। हम अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय भारत।